नमस्कार, मैं निमिष दुबे। नमस्कार, मैं हूं पंकज दुबे। आज आपके सामने पेश करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरें। परीक्षार्थियों में खुशी की लहर, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी परीक्षा एमपीपीएससी शुल्क वृद्धि वापस ली, अब 250 और 500 में भरे जा सकेंगे फॉर्म। जेएनयू की तर्ज पर उत्तराखंड का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र भी फीस वृद्धि को लेकर आए सड़कों पर। फिर आग पकड़ी छत्तीसगढ़ अंजलि इब्राहिम केस में, अंजलि जैन ने रिहाई के लिए आमरण अनशन जारी किया। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देश में मोबाइल चोरी होता है तो मिलने की संभावना 18% है, वहीं दूसरी ओर अगर देश में गाय या भैंस चोरी होती है तो मिलने की संभावना दोगुनी हो जाती है, 36%। सीएम हेल्पलाइन ने लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश जारी किए। लोकसभा सत्र में नारेबाजी, विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाए तानाशाही बंद करो के नारे। नमस्कार, मैं बंटी यादव। नमस्कार, मैं सीताराज सौर्या। मध्य प्रदेश में नर्मदा बाढ़ पीड़ितों की लड़ाई चौथे दिन भी जारी है। मेधा पाटकर के नेतृत्व में हजारों लोग नर्मदा भवन का घेराव कर बैठे हुए। भारत से 2018-19 में 2 लाख से ज्यादा छात्र अमेरिका गए, चीन के बाद सर्वाधिक संख्या। करीब 2 माह बाद फिर गरमाया हनी ट्रैप मामला, इस बार भाजपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम आया है सामने। एमपी में कॉलेज छात्राओं के लिए बनेंगे निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस। पोहे जलेबी विवाद के बाद सामने आए गौतम गंभीर, कही बड़ी बात। यूजीसी का नया नियम, अब कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी होना जरूरी। नमस्कार, मैं श्रुति। आइए आज देखते हैं मनोरंजन से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिग बॉस 13 में शहनाज का हुआ स्वयंवर, पारस छाबड़ा ने शर्टलेस होकर किया प्रपोज, साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच हुई हाथापाई। ऐसे में देखना यह है कि क्या उन दोनों की दोस्ती में आएगी दरार। इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल के सपोर्ट में आए उनके फैंस, कहा मेकअप भले ही खराब था लेकिन उनकी निंदा करना बुरा है। मजावा की रिलीज के बाद आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला हुई प्रभावित, लेकिन 100 करोड़ की मूवी में एंट्री पाना आसान। और आइए आज आपको बताते हैं एक स्पेशल न्यूज। 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी, जो एक महिला के द्वारा हुई थी।